नमस्ते, मेरा नाम प्रतिभा है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि कैसे ये सिंपल से टेबल को हम एक फेस्टिव लुक में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, ये मधुबनी पेंटिंग है जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। कुछ शोपीस मैंने लोकल मार्केट से खरीदे हैं और कुछ ब्रास के शोपीस मैंने अमेज़न से लाए हैं। इस पे मैंने पहले पेपर फिलअप किया है, उसके बाद ऊपर से गेंदे के फूल डेकोरेट किए हैं। इससे फ्लावर एक जगह स्टेबल रहते हैं और एनहांस भी हो जाते हैं। ये गणेश जी की स्टैच्यू मैंने अमेज़न से परचेज करी है। सिमिलरली लक्ष्मी जी भी मैंने अमेज़न से ली है, पर इसमें देखिए इसकी हाइट थोड़ी कम हो रही है, तो फिर से मैंने इसमें पेपर ऐड करके फिर उसके बाद फ्लावर से डेकोरेट किया है। मैंने एक ग्रीन पॉट ऐड किया है। ग्रीन पॉट गेंदे के फ्लावर के साथ बहुत ही अच्छा लुक लाता है। लास्ट में मैंने एक लैंटर्न ऐड किया है और देखिए हमारा लुक कंप्लीट हो गया। मैंने ये कैंडल्स ऐड करी हैं। कैंडल्स, मैरीगोल्ड फ्लावर यानी गेंदे के फूल, ब्रास के शोपीस, मधुबनी पेंटिंग, ये सभी मिलकर बहुत ही अच्छा आपके सेंटर टेबल को लुक देते हैं। गेंदे के फ्लावर डेकोरेट करने से आपका कोई भी डेकोर पीस एकदम से एनहेंस हो जाता है। ब्रास के शोपीस और गेंदे के फूल कंबाइंडली एक साथ बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल एकदम रॉयल लुक लाते हैं। टेबल रनर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फेस्टिव लुक लाने के लिए ट्रेडिशनल या ब्राइट कलर के टेबल रनर को चूज करें। शोपीस आप हमेशा अपने टेबल के साइज के अकॉर्डिंगली चूज करें। टेबल में हमेशा इतनी स्पेस जरूर होनी चाहिए कि आपके गेस्ट के लिए स्नैक्स या टी कप या प्लेट आप इजीली उसे रख सकें।
यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।